गुफा तो आउटसाइड खुलती भी नहीं। 400 साल पहले शिवाजी महाराज ने एक गुफा को बनाया था। जब इस किले के नीचे शिवाजी महाराज और अफजल खान इनकी लड़ाई हो गई, किले के बाहर मुलाकात हुई, लेकिन किला एक तरफ है। जाने से पहले महाराज ने गुफा को बना के अपने कुछ सिपाही लोगों को इसके अंदर छुपा के रखा। अपने कुछ सिपाही लोगों को इसके अंदर छुपा के रखा था। लोग रखने के बजाय कि नीचे जंग में तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए अगर अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारा, किला जीतने के लिए खान यहाँ पे आएगा, अपने लोग उसको रोक सके या खत्म कर सके, इसलिए छुपाए। लेकिन ये गुफा का यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि उस लड़ाई में शिवाजी महाराज ने खुद अफजल खान को इस गढ़ के नीचे मारा था। ये डूंगर, ये गुफा देख रहे, यहाँ तक नहीं थी, वो लाइट का खंभा है ना पीछे, वहाँ तक ये पहाड़ था, गुफा वहाँ तक थी। बाजू से ऊपर जाने के लिए मिट्टी का रोड, किले के अंदर घोड़े जाते थे। गवर्नमेंट ने अभी ये गाड़ी का रोड, ये सीढ़ी सब नया डेवलप किया, पहाड़ को आगे से लेके यहाँ तक ऊपर से नीचे गिरा के माटी और बीच में ये दरवाजा है। ये गढ़ हम लोग देखने जा रहे हैं, आप लोगों को शायद पता होगा महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के आज जितने गढ़ किले हैं, ये सारे गढ़ किले अभी गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन एक ही किला ऐसा है, ये गवर्नमेंट अंडर नहीं है, प्रतापगढ़ किला अभी भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। शिवाजी महाराज के बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसी यहाँ 13वीं पीढ़ी चल रही है। इस एरिया में जिला तो सतारा लगता है, वो वहाँ रहते हैं, उनका नाम है छत्रपति उदयन राजे भोसले, जिनके अंदर ये किला है, प्राइवेट किला है। जितने लोग ये फोर्ट देखने आते हैं, किला देखने के लिए सबको फ्री है। देखिए पंचगनी महाबलेश्वर घूमते समय एक आदमी को एंट्री टैक्स, टूरिस्ट टैक्स, पार्किंग टैक्स, ऐसे सारे टैक्स वहाँ देने पड़ते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं लगता। शिवाजी महाराज ने उनके जमाने में 27 फैमिली को किले के अंदर अपने परिवार के साथ रखा था। आज भी वही लोग रहते हैं और वही लोग इसका कामकाज करते हैं। सबसे मेन ये मेन गेट उन्होंने बनाया, तो इसकी रचना, इसके अरेंजमेंट सबसे मेन वो। देखिए यहाँ ये दीवार और ये दो दीवार आमने सामने, इन दीवारों के अंदर यह दरवाजा है। हम अंदर आ गए, हम लोगों को दीवारों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा गैप लग रहा है, ज़्यादा नहीं। अगर इसको आधा या एक किलोमीटर हम नीचे से ट्राई करते हैं, बात सोचने जैसी है, किले के इतना नज़दीक कभी दुश्मन आएगा ही नहीं, बहुत दूर से देखेगा कि ऊपर जाने के लिए रास्ता किधर से। लेकिन आधा किलोमीटर नीचे से देखने के बाद क्या होगा, सामने की दोनों दीवारें आपको दूर से ज्वाइन नजर आएगी, नीचे से देखने के बाद इसकी दीवार एक लगती है, तो मेन गेट कहाँ है ये किसी के समझ में नहीं आता है। देखिए राजस्थान ये साइड में आप लोगों ने गढ़ किला घूमा है, देखा है, तो वहाँ किलों के दरवाजे आपको ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं, लेकिन ये दरवाजा ग्राउंड लेवल से उन्होंने बहुत हाइट पे बनाया। जैसे मैंने बताया था कि ये पहले पहाड़ी रास्ता था, सीढ़ी नहीं थी, घोड़े चलते थे, और वो रास्ता इससे डेंजर था। ये पगतिया, ये सीढ़ी बहुत ईजी है, लेकिन हमने देखा इतना ईजी होने के बावजूद जब भी कोई आदमी नीचे से अभी मेन गेट तक आता है, चढ़ाई में थक जाता है, यानी कि जिस जगह पे चढ़ाई में आदमी थकेगा उस जगह दरवाजा तोड़ने के लिए हाथी नहीं आना चाहिए, इसलिए ग्राउंड लेवल से दरवाजा हाइट पे। और तीसरी बात, किले का मेन गेट साइज हाइट में छोटा है, समझ लीजिए इस जगह पे दुश्मन ने हमला किया, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, अब गेट तोड़ने के बाद आक्रमण करने का वक्त आएगा, जगह शॉर्ट रखी है, घोड़े पे एक समय एक ही आदमी इसके अंदर जाना चाहिए, इसलिए छोटा गेट है। इतना सब प्लान करके अगर दुश्मन यहाँ तक आया, आखिर में अपने लोगों को इसको मारना है, किले के बाहर आने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आखिरी रास्ता, ये दीवार के होल देख लीजिए, होल इधर भी है, अपने पीछे भी है, हम बाहर है, सभी होल दिखने में एक जैसे दिख रहे, इसमें डिफरेंस है, ये सामने के होल आप देख रहे, ये दुश्मन के ऊपर गर्म पानी, गर्म तेल डालने के लिए, तो पीछे के होल तोप से फायर करने के लिए। कितना पावरफुल दिमाग यूज करके किला बनाया, देखो कितना परफेक्ट प्लानिंग है। मेन गेट में एंट्री करेंगे तो राइट साइड में तोप है, तोप देके आगे चलिए, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सीढ़ी बनाई ये साइड से आम प्रजा, आम जनता जाती थी। नीचे लेफ्ट साइड में एक गेट दिख रहा है, देखिए ये पुराना रास्ता, राजमार्ग, यहाँ से राजा लोग जाते थे, लेकिन आज के तारीख में उनके बराबर अब कोई करेगा नहीं। ये राजमार्ग जिधर खुलता था, दिया लगाने का दीपस्तंभ देख रहे ना, उसके आगे देखे सीमेंट की जो पिंक कलर की गैलरी है, ये गैलरी अभी वो फाउंडेशन के ऊपर हाइट पे बनाई, ये रास्ते को वहाँ बंद किया। फाउंडेशन का यूज होता था नगाड़ा बोलते, ड्रम, ढोल बजाने की जगह। मैंने बताया था 25-30 लोगों को महाराज ने अपने परिवार के साथ ये किले के अंदर रखा, बाकी सारी फौज गांव में रहती थी। इमरजेंसी है, पूरे फौजी लोगों को किले में बुलाना है, तो पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे, सारे सिग्नल और मैसेज ये नगाड़े पे रहते थे, इसे हर किले के अंदर ये ड्रम हॉल होता था। ये दीवार पे रास्ता देख रहे, इधर भी है और अपने पीछे भी है, अपने गार्ड्स घूमते थे ना, पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, तटरक्षक, ये रास्ता उनके लिए।
समझ लीजिए, अगर अभी कोई आदमी ये दीवार पे से इधर से चला जाता है, बीच में किधर उतरेगा नहीं, तो वो आदमी आज भी 3.5 या 4 घंटे के बाद ये दीवार पे इधर आ सकता है। 5 किलोमीटर दीवार घूमने लायक है, 3.5-4 घंटे लगते हैं। मेन गेट पे आपने तोप देखी, तोपे इससे लंबी और इससे बड़ी होती है, लेकिन बात ऐसी है ये पहाड़ी एरिया है, ये एरिया में ये तोप से बड़ी तोप नहीं ला सकते। ये तोप से बड़ी तोप नहीं ला सकते। किले के अंदर के सबसे बड़ी तोप ये है जो आपने गेट में देखी, ये तोप का वजन है 650 किलो और उसका रेंज है 4.5 किलोमीटर, लेकिन मेन गेट में नहीं थी। पीछे आप लोगों ने जो पॉइंट पे झंडा देखा ना, वो जगह पे तोप थी, मराठी में बुरुज कहते हैं, चौकी करनी की जगह, चेक पोस्ट। वहाँ से नीचे के पहाड़ी एरिया पे नजर रखो, दुश्मन कहाँ आता है कहाँ जाता है वहाँ से देखो, अगर कोई आए तो वहाँ से तोप चलाओ। लेकिन अभी अभी 5 साल पहले बारिश में बिजली गिरी थी, पॉइंट पूरा गिरा था, इसको बना रहे, इसका काम चालू है, इसलिए तोप को हटा के दिखाने के लिए गेट में रखा है। वो झंडा वाला पॉइंट आपने कई बार देखा होगा बच्चों के स्कूल के पढ़ाई के किताब में, चौथी और छठी के किताब में लंबा चौड़ा प्रतापगढ़ का फोटो देखो ये आता है, टीवी पे प्रतापगढ़ यही दिखाते हैं। मराठी में पिक्चर बनी थी महेश मांजरेकर की, उसको अवार्ड मिला था मिस शिवाजी राजे भोसले बोलते, इसी जगह पे शूटिंग हुआ है। देखा जाए तो हम लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाएंगे तो अपना गाड़ी पार्किंग कवर होता है। ऐसा एक चेक पोस्ट आएगा लास्ट में जो ग्राउंड लेवल से 1800 फीट के ऊंचाई के ऊपर है, मैं आपको उस जगह पे ऊपर लेके जाऊंगा। एक नहीं है, 4 है, रास्ते के नजदीक हम लोग एक कवर कर रहे हैं। पानी आज देख रहे 12 महीना पानी है, बारिश का स्टॉक वाटर नहीं है, जमीन में झरना है, नेचुरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर। अभी ये पानी पीने के काम में नहीं आता, किले का कामकाज चालू है इसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन ये बने कैसे तालाब, हम लोग खड़े यहाँ से वहाँ तक पहले एक ही पहाड़ था ये, जब ये किला उन्होंने बनाया लगने वाले पत्थर बाहर से नहीं लाए, पूरा पत्थर ये पहाड़ से निकाला। इसको कट करते समय 2 फायदे हो गए, पत्थर तो मिला और इतने हाइट पे उनके ज़माने में उनको पीने का पानी मिला। बात सोचने की समझने की है, 3500 फीट के ऊंचाई के ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं, इतने हाइट पे उनके ज़माने में उनको पीने का पानी मिला। आज हम अपने ज़माने में ग्राउंड लेवल पे 200-250 फीट नीचे बोर मारते हैं, हमें पानी नहीं मिलता है, ये मेन बात है। जावली विलेज वो सामने नीचे और यहाँ से अपनी बस रिटर्न जाती है, वो पहाड़ पे जो टावर देख रहे देखिए वहाँ पे, वो है महाबलेश्वर। यही एसटी की बस 2:30 बजे निकलेगी महाबलेश्वर दर्शन के लिए। ये टावर से तो राइट पे झुका पहाड़ और ये साइड पे लास्ट वाला पहाड़, तो सनसेट पॉइंट से लेके सुसाइड पॉइंट तक ये सारे पॉइंट्स अपनी एसटी की बस घुमाती है 2:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। तो वो है महाबलेश्वर जहाँ से अभी हम लोग आए भाई ऊपर। कुछ भी नहीं है, सबसे मेन ये देवी का मंदिर मेन है। ये देवी है महाराष्ट्रीयन लोगों की कुल देवत, शिवाजी राजे की कुल स्वामिनी तुलजा भवानी। भवानी माँ का मेन मंदिर तुलजापुर में, शिवाजी महाराज ने यहाँ देवी की प्रतिस्थापना की। हकीकत में ये देवी शिवाजी राजे को प्रसन्न थी, महाराज इसी को मानते थे, इसी को पूछते थे। शिवाजी महाराज के तलवार में इसी देवी ने प्रवेश किया था, भवानी तलवार के नाम से उस तलवार को पहचाना जाता है। देखिये भवानी तलवार प्रतापगढ़ में थी, लेकिन महाराज इस किले में नहीं रहते थे। शिवाजी महाराज अपने परिवार के साथ जिस किले में रहते थे वो किला तो प्रतापगढ़ से भी 3 गुना बड़ा है, कोंकण में रायगढ़। शिवाजी महाराज की नेचुरल मौत रायगढ़ में हो गई, 1680 में गुजर गए, लेकिन तलवार प्रतापगढ़ में थी। उसको लेने के लिए ब्रिटिश आए 1818 में, जब तक वो तलवार नहीं मिलती उन लोगों ने अपने ही हथियार लगा के इस किले को पूरा का पूरा गिराया। गिराया मतलब ये किला ब्रिटिशों ने लूटा, इस वजह से आज किले में पुराने मंदिर और ये किले की दीवार बस इतना बाकी है। शिवाजी महाराज की भवानी तलवार आज भी है, अपने इंडिया में नहीं है, वो है लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में। कोहिनूर हीरा अपना इंडिया का है, तलवार वहीं पे। अभी आप मंदिर जाएंगे, देवी के सामने रखी एक तलवार आप देखिए, जो तलवार आप मंदिर में देखेंगे शिवाजी महाराज की नहीं है, उनके कमांडर की है। उस आदमी का नाम है कानोजी हम्बीरराव मोहिते। ये तलवार से मोहिते ने अफजल खान के जंग में अकेले ने 600 लोगों को मारा था, एक ही आदमी ने एक ही जंग में। आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है, देखिए ऐसा रूल्स था, एक जंग में एक सिपाही अगर दुश्मन के 100 लोग मारेगा ऐसे आदमी को राजा की तरफ से इनाम मिलता। इनाम क्या था, वो तलवार की जो उसकी ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर एक सोने का स्टार, एक रिबिट, एक सिक्का। आज अपने जमाने में मिलिट्री के सिपाही के कंधे पे मेडल दिए जाते। आप तलवार देखेंगे जिसपे 6 स्टार लगा है, 600 लोग मारे ये प्रूफ है।
उसके बाद आप देवी की मूर्ति देखिए, आप सोनार के दुकान में जाते हैं, एक काला पत्थर उसके पास होता है जिससे सोना घिसके पता चलता है असली या नकली। कसौटी पत्थर कहता ना पारस, उसी पत्थर की देवी की अष्टभुजा मूर्ति 8 हाथ की है और देवी के पैर के सामने एक शिव का लिंग रखा हुआ है। आपको शिवलिंग कांच जैसा दिखाई देगा, कांच का नहीं है, स्फटिक का है, क्रिस्टल का है। एक बात आप लोग समझ गए, मंदिर के आगे हम लोगों ने दिया लगाने के दीपस्तंभ देखे थे, यानी मंदिर की एंट्री आगे से। हेलो, लेकिन अभी आगे मंदिर नया डेवलप कर रहे हैं, इसका काम चालू है, इसलिए एंट्री बंद रहता है और हम पीछे से आगे। ये स्टैंड पर रखे छोटे बड़े हथियार देखिए, आज का सिपाही बंदूक स्टनगन रिवॉल्वर लेके घूमता है। पहले का सिपाही यही हथियार कंधे पे लेके दीवार पे से रात दिन पहरा देने के लिए घूमता था। देखिए आज का सिपाही हथियार उठा तो सकता है, कंधे पे लेके घूमेगा नहीं, चलाएगा नहीं, फुल गारंटी। कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, अपने हाथ पर गवा बैठे, दोनों ओर से इसको तार से बांध के रखा है। ये पूरे सेट में एक चीज अलग है, ये हॉकी स्टिक जैसा दिख रहा है, हॉकी स्टिक नहीं है, पहले जमाने की ये पराई है, स्टोन कटर, पत्थर तोड़ने में काम में आती है। देखिए हम लोग गाँव में रहते हैं, हमारे घर में पराई है, लेकिन आज के पराई की साइज क्या है, अंगूठे जैसी है, वजन 8 या 10 किलो है, ये 75 kg के आसपास है। ये हैंडल वाली हैंड तोप देख लो। हथियार देखने के बाद एक बात आप लोगों को समझ में आती है, पहले